हेलो गाइस, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं इसके मोटो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लेंडर वर्सेस साइन 100 के बारे में। तो स्प्लेंडर तो पहले से ही काफ़ी फेमस है और काफ़ी शुरू से कम 20 से 25 साल से राज कर रही है इंडियन मार्केट में। वहीं बात करते हैं साइन 100 की, तो साइन 100 रिसेंटली लॉन्च हुई बाइक है। हालांकि इसका लॉन्च हुए भी 3-4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अगर इसमें देखते हैं कि दोनों बाइकों में कौन सी बाइक बेटर आपको ऑफर करती है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में और साइन 100 के दोनों को कंपेरिजन के बारे में। तो बताते हैं इस वीडियो में कि कौन सी बाइक लें और कौन सी नहीं। अगर सबसे पहले बात करते हैं दोनों के लुक्स के बारे में, तो स्प्लेंडर का लुक आपको काफ़ी क्लासी लुक देखने को मिल जाता है। जो पहले लुक आती थी सेम टू सेम वही लुक आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको आगे फ्रंट में आपको DRL सेटअप भी देखने को मिल जाता है और बाकी कुछ आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाता है, जैसे न्यू ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे थोड़ी सी बाइक आपको फ्रेश देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं साइन 100 के बारे में, तो साइन 100 आपको CD 100 जो आती थी पहले, CD 110 ड्रीम, वही सेम टू सेम आपको लुक उसी से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ आपको इसमें ग्राफिक्स चेंज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे साइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है और बाकी लुक आपको कह सकते हैं होंडा की जो रिसेंटली जो पहले आती थी ताकि CD 110 ड्रीम उसी का लुक आपको कॉपी किया गया है। तो लुक मुझे उतना खास नहीं लगता है जितना स्प्लेंडर का लगता है। हालांकि बाकी पर्सनल चॉइस होता है सबका कि किसको कौन सी बाइक पसंद है, तो मैं लुक का डिसीजन आप लोग पे ही छोड़ देता हूँ। तो गाइस अब बात करते हैं दोनों के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडर के इंजन के बारे में, तो स्प्लेंडर में आपको 97.2 CC का इंजन देखने को मिल जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 7.91 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.05 Nm का। वहीं बात करते हैं साइन 100 के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 98.98 CC का इंजन देखने को मिल जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 7.28 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.05 Nm का। तो पावर वाइज देखा जाए तो पावर वाइज माइनर आपको साइन 100 में थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है, हालांकि टॉर्क आपको दोनों का सिमिलर है देखने को मिलता है। और वहीं बात करते हैं दोनों के इंजन में कौन सी बाइक बेटर है, तो हालांकि स्प्लेंडर शुरू से ही काफ़ी अच्छी बाइक अच्छी इंजन प्रोवाइड की है, इसी कारण से आपको 20 से 25 साल हो गए इस मार्केट में आए हुए, जो अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि साइन का भी इंजन काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी आपको स्मूथी, और जो होंडा का इंजन काफ़ी उसका भी रिलायबल होता है। हालांकि इंजन दोनों का ही 10/10 है और बाकी दोनों में ही आपको 4 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों के माइलेज के बारे में, तो स्प्लेंडर का माइलेज आपको अराउंड आपको 60 किलोमीटर का 65 किलोमीटर के बीच में आपको माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं साइन 100 के माइलेज के बारे में, तो साइन 100 का माइलेज थोड़ा सा आपको स्प्लेंडर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, 65 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच के आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों में ज़्यादा का फर्क नहीं है माइलेज में, तो सिमिलर ही कह सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं फीचर के बारे में, तो फीचर में आपको थोड़ा सा मेजर चेंज देखने को मिल जाता है दोनों बाइकों में। तो स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको फीचर काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्रंट में आपको LED DRL देखने को मिल जाता है, बाकी हैलोजन सेटअप जो पहले आती थी वही आती है और बाकी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, यानी स्पीडोमीटर आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाता है और उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर देखने को मिल जाता है, बाकी मोबाइल से भी आप कनेक्ट करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी USB चार्जिंग पोर्ट आता ही है, अभी रिसेंटली हर भी हीरो की गाड़ी में धीरे धीरे USB चार्जिंग पोर्ट कंपनी ने मैंडेटरी एक तरह से कर दिया है। बाकी इसमें आपको i3 देखने को मिल जाते हैं और IBS इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम भी देखने को मिल जाते हैं, और बाकी इस हीरो का जो आता है एक्सेस टेक्नोलॉजी वो हमेशा से आपको हर बाइक में देखने को मिल जाती है हीरो की। वही बात करते हैं होंडा की साइन 100 के बारे में, तो साइन 100 में आपको कोई खास फीचर देखने को नहीं मिलता है, वही आपको बेसिक से एनालॉग मीटर देखने को मिलता है और बाकी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, वही बाकी लो फ्यूल इंडिकेटर, बाकी जो बेसिक जो हर बाइक में आपको मिल जाती है वही आपको मिल जाती है। तो साइन 100 में आपको कोई भी एडवांस फीचर देखने को नहीं मिलते जैसे कि आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज देखा जाए तो स्प्लेंडर एक्सटेक काफ़ी आगे निकल जाते हैं, इसमें फीचर में नंबर 1 में स्प्लेंडर को ही दूंगा। वहीं आप बात करते हैं आगे सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन में सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडर की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वहीं रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं। तो जिसका मतलब ये होता है कि जो आप रियर का इसको सस्पेंशन है आपको 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जिससे आपको जो राइडिंग क्वालिटी और भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। वहीं बात करते हैं साइन 100 के सस्पेंशन के बारे में, तो इसके भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, वहीं रियर में आपको डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं आता है। बात करते हैं टायर प्रोफाइल के बारे में, तो टायर प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडर की, तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको 80/100 सेक्शन के 18 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और ही टायरों में। वहीं बात करते हैं साइन 100 के टायर के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 2.75
बाई 17 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं, वही रियर में आपको 3.0 बाई 17 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। तो टायर वाइज देखा जाए तो स्प्लेंडर का टायर आपको साइन 100 से आपको कुछ बेटर देखने को मिल जाते हैं, बाकी साइज वाइज भी आपको स्प्लेंडर थोड़ा सा बड़ा टायर आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इन दोनों के ब्रेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडर की, तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, हालांकि स्प्लेंडर शुरू से ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं देती है, हालांकि कोई मॉडिफिकेशन करा देता है वो बात की बात है, लेकिन कंपनी द्वारा आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो 130 mm का ड्रम ब्रेक फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं साइन 100 के ब्रेक्स के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक और वहीं रियर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। जो ब्रेक वाइज देखा जाए तो स्प्लेंडर इसमें भी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका ड्रम ब्रेक का साइज जो रियर में है काफ़ी आपको बड़ा देखने को मिल जाते हैं अगर कंपेयर करते हैं साइन 100 से, जिससे ज़्यादा बड़ा ड्रम होने के कारण आपका ब्रेकिंग जो पावर होता है वो जल्दी आपको ब्रेक कंट्रोल में आ जाता है, जिसके थ्रू अगर आप हाई स्पीड करते हैं तो जिसके अगर ब्रेकअप करते हैं तो आप इजीली स्पीड कम कर सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं अब इसके डायमेंशन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो स्प्लेंडर में आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं साइन 100 में आपको 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कर्व वेट की, तो स्प्लेंडर का कर्व वेट आपको 112 केजी का देखने को मिल जाता है, वहीं साइन 100 का आपको 99 केजी का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ वेट के देखा जाए तो साइन 100 तो आपको काफ़ी लाइट वेट देखने को मिल जाती है। बात करते हैं सीट हाइट की, तो सीट हाइट में आपको स्प्लेंडर 785 mm का, वहीं साइन 100 आपको 786 mm का देखने को मिल जाता है। सीट वेट देखा जाए तो सिमिलर ही 1 mm का ज़्यादा कोई फर्क होता नहीं है। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस स्प्लेंडर का आपको 165 mm का देखने को मिल जाता है, वहीं साइन 100 का आपको 168 mm का देखने को मिल जाता है। तो आज देखा जाए ग्राउंड डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन हालांकि सब सिमिलर है, 1-2 mm का ही फर्क है, जिससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। अब बात कर लेते हैं मेन प्राइस मुद्दे की, तो सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों बाइकों में। तो ये सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेंडर के प्राइस के बारे में, तो इसका स्प्लेंडर एक्सटेक का एक शोरूम प्राइस आपको 79,861 रुपये आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। जो अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ऑन रोड प्राइस आपको अराउंड आपको 95 से लेकर 97,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, बाकी सिटी टू सिटी वैरी करते रहती है, तो जिससे आप 1-2 हज़ार अप डाउन हो सकती है। वहीं अगर आपका स्प्लेंडर प्लस का अगर मॉडल देखें तो उसका थोड़ा सा प्राइस आपको कम देखने को मिल जाता है, वो आपको 92,000-93,000 ऑन रोड आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। स्प्लेंडर एक्सट्रेक थोड़ा सा कॉस्टली साइड आ जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फीचर और कुछ कुछ ऐड कर दिए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आपको 2,000-4,000 आपको कॉस्टली पड़ जाती है। बाकी स्प्लेंडर प्लस का आपको प्राइस 91,000-92,000 के समथिंग पड़ेगा, वहीं आपको स्प्लेंडर एक्सट्रेक का आपको 96,000-97,000 का समथिंग आपको पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं साइन 100 के प्राइस के बारे में, तो साइन 100 का प्राइस आपको काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल जाता है, इसका मतलब इसका एक शोरूम प्राइस आपको 62,900 रुपये मात्र आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको 75,000 से लेकर आपको 77,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, बाकी ये सिटी टू सिटी वैरी करते रहती है। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो प्राइज वाइज काफ़ी आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, अराउंड आपको 20,000 का फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लोग में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं स्प्लेंडर को लूँ कि साइन 100 को लूँ। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बाकी अगर आप स्प्लेंडर फ़ैन हैं, क्योंकि इसका फैन बेस स्प्लेंडर का काफ़ी अलग है, शुरू से एक रुतबा बना के रखी है और काफ़ी लोगों के फेवरेट बाइक भी कह सकते हैं इसको, तो अगर आपकी फेवरेट बाइक है और आपकी पसंदीदा बाइक है तो स्प्लेंडर आप बेसिक ले सकते हैं, उसमें आपको कोई राय नहीं है। बाकी आप एक अब सिर्फ बाइक खोज रहे हैं, बाकी आप स्प्लेंडर हो या फिर साइन 100 हो, आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है, तो अगर आपको फीचर चाहिए और थोड़ा मोड़े ब्रेक्स आपको बेटर चाहिए तो आप स्प्लेंडर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है, तो जैसे अगर आपको पैसे का कोई दिक्कत है, तो आप मान लीजिए साइन 100 भी एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसका प्राइस आपको समझ लीजिए 75,000 से लेकर 77,000 के बीच में समथिंग मिल रहा है, तो यहाँ पे मेजर रोल आ जाता है। अगर आपको फीचर से कोई खास फर्क नहीं है, वैसे भी रियल लाइफ में आपको फीचर का उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ही आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर ज़्यादा यूज करेंगे, ना ही आप यूएसबी चार्जिंग करने वाला है ज़्यादातर। बाकी अगर आप नॉर्मल एक कंप्यूटर बाइक की तरह देख रहे हैं तो साइन 100 एक बेटर ऑप्शन बन जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक और भी कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। और बाकी अगर इस बाकी दोनों कंपैरिजन में कोई भी कमी लगी हुई है तो कमेंट करके वो भी जो हमें बताएं, कोई गलती होगी तो वो भी बताएं।
बाकी वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो भाई फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून्ड।